वेलकम बैक टू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज अपन बात करने वाले हैं आपकी जो एग्रीकल्चर के अंदर जो जितने भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रांचेज के किन वर्ड से मिलकर बना होता है और इसकी जो कौन सी भाषा का यह शब्द है और इसकी जो शब्दों का अर्थ है वो क्या क्या है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आज की क्लास का यही रहेगा आपका जो मेन मोटिव है। इसके अंदर जो जेट ICER BSU के अंदर से के क्वेश्चन मिलता है, हर बार दो या तीन क्वेश्चन मिलते हैं। या तो उस आपके जो वर्ड पूछ लिया जाता है किन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, या आपकी जो लैंग्वेज है कौन सी लेटिन यानी कि कौन सी भाषा का ये वर्ड है। तो सो गाइज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आपकी जो आज की क्लास है इसके अंदर पहले अपने यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस भाषा का जो शब्द है वो यहाँ पे देख सकते हो, लैटिन भाषा का शब्द है और इसके अंदर ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है एगर प्लस कल्चर। कल्चरा तो एगर का अर्थ होता है यहाँ पे सोइल और यहाँ पे कल्चरा का अर्थ होता है खेती करना। और आगे का जो आपका सेकंड वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द ग्रीक वर्ड, यह है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके पीछे भी कल्चर लगा होता है वह लैटिन भाषा का शब्द होता है और जिसके पास लॉजी लगा होता है ग्रीक भाषा के होता है। पोमोलॉजी को छोड़कर ये अलग अपवाद है तो इसको ध्यान में रख लेना आप यहाँ पे। और आगे अपने एग्रोनॉमी का वर्ड है ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रो एंड फिल एग्रो का अर्थ होता है खेत एंड नोमस मतलब मैनेज प्रबंधन करना। तो नोमस का अर्थ होता है प्रबंध यानी कि खेत का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन इससे आप यहाँ पे लगा सकते हो, खेत का अच्छी तरह से प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अब थर्ड आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। होटस दो वर्ड से मिलकर बना होता है होटस प्लस कल्चरा। तो होटस करते हैं आप भी देख सकते हो गार्डन एंड कल्चरा का मतलब होता है उगाना या कल्टीवेशन यानी खेती करना या कुछ भी मान लीजिए आप। दोनों में से फल सब्जियों एवं फलों का अध्ययन ही हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है यानी कि जितनी भी आपकी जो ऑर्नामेंटल एंड जो आपकी जो वेजिटेबल्स एंड आपकी जो फ्रूट वाली जो जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन सभी क्रॉप्स का अध्ययन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंतर किया जाता है। आगे का आपका यह है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यह है लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ये मुख्य इम्पोर्टेंट है पोमोलॉजी, ये हर बार कोई ना कोई एग्जाम में आता है। इसके अंदर आपका जो लैटिन शब्द है पोमो यानी कि पोमम यानी मतलब इसका अर्थ होता है फल और ग्रीक भाषा शब्द होता है लॉजी, इसका मतलब स्टडी करना है यहाँ पे। और पोमोलॉजी के अंदर मुख्यतः केवल फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी कहलाता है यहाँ पे। और आगे का आपका जो है पांचवा आपका ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर इसके लैटिन भाषा का वर्ड है, यहाँ पे कल्चर देख सकते हो आप। ओलेरीज मतलब कल्चर खेती करना, ओलेरीज पोर्ट हर्ब्स होता है और यहाँ पे कल्चर मतलब खेती करना। और सब्जियों की जितने भी खेती का अध्ययन किया जाता है स्टडी किया जाता है उसको हम ओलेरी कल्चर बोलते हैं। और ओलेरी कल्चर के बाद में आता है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर मतलब आपको स्पष्ट नाम से ही पता चल रहा होगा कि फ्लो का यानी कि फूलों का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पे लैटिन भाषा का शब्द है फ्लोवर। फूल कल्चर मतलब खेती करना, फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरी कल्चर कहलाता है। आगे का आपका है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान है आपका सोइल साइंस। सोइल साइंस की बात करें तो यहाँ पे लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें दो वर्ड से मिलकर होता है सोलम। सोइल है जो सोलम शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है फर्श या मृदा। और साइंस है यहाँ पे विज्ञान, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। और यहाँ पे जितने भी पृथ्वी की जो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसकी जो ब्रांच है वो है मृदा विज्ञान। और अब बात करेंगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर बात करें तो ग्रीक भाषा का शब्द है पेडोन मतलब मृदा और लोगस मतलब अध्ययन। तो मृदा के जो उत्पत्ति यानी जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन एंड उसकी जो नेचुरल अवस्था है उसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है यानी कि केवल मृदा से रिलेटिव तो उसको जो पेडोलॉजी कहते हैं। एक आता है आपका इडेफोलॉजी, ये आपका है इडेफोलॉजी, ये है पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी में कई बार कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। तो इडेफोलॉजी को यहाँ पे अपन पहले समझा देते हैं। या फिर इडेफोलॉजी है जो आपकी जो मृदा का है जो संबंध है, मृदा का संबंध जो पादपों से होता है उसके जो क्या संबंध होता है उसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो इडेफोलॉजी के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखते हो इडेफोन है मतलब पौधा, मृदा पौधे की वृद्धि के संबंध में, लोगस मृदा मृदा का अध्ययन करना, पौधे की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना ही इडेफोलॉजी कहलाता है। इडेफोलॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है। प्रसार विज्ञान है यहाँ पे अगला आपका टॉपिक। प्रसार विज्ञान एक्सटेंशन साइंस होता है। इसके अंदर जो लैटिन शब्द है ये लैटिन शब्द का होता है, एक्स मतलब आउट और टेंशन मतलब स्ट्रेचिंग। आपका अगला टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी
आपका जो ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका जो मैन है दो वर्ड से मिलकर बनाता है, ओइकोस मतलब हाउस मतलब घर, लॉगस मतलब स्टडी। आपका है अगला मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी ग्रीक वर्ड का है, आप ही देख सकते हो। और मेट्रियोस मतलब पृथ्वी की ऊपर की सतह होती है, लोगस मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी के ऊपर की सतह जितने भी अपन जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं मेट्रियोलॉजी आता है। और अब यहाँ पे ऋतुओं के संबंध में अध्ययन वो होता है मानसून। यह है अरबी का शब्द है, यहाँ पे मानसून इम्पोर्टेंट है आपका। मानसून शब्द है अरबी का, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप यहाँ पे। और आगे अपन बात करेंगे।